अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर बफेट एपिसोड। मेरा नाम है वसीम और आप देख रहे हैं लाहौरी फूडी। यार आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं आया हूँ आज लाहौर के रूफटॉप रेस्टोरेंट पे, मुनाल रेस्टोरेंट। इसका मैं हाईटी जो है बफेट वो करने वाला हूँ। गाइस अपनी गाड़ी वगैरह को आप पार्क करके लिफ्ट के ज़रिए जो है वो मुनाल के 10th फ्लोर पर जाते हैं। तो अभी मैं लिफ्ट का वेट कर रहा हूँ, 2nd फ्लोर पर आ चुकी है। हमने जाना जी 10th फ्लोर पर। ये देखो ये सारे मेंशन है। ये अभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जा रही है, उसके बाद ऊपर रेस्टोरेंट पे जाएगी 10th फ्लोर। भाई पहले मैं आपको इनका सिटिंग एरिया दिखा दूं, एम्बियंस। यार मुझे ये वाला टेबल मिला है जहाँ पर मुझे वेलकम किया है जी इन्होंने, यहाँ पर रिजर्वेशन करके। ये देखिए मेरे नाम की रिजर्वेशन हुई हुई है, मिस्टर राना वसीम। हम 2 पर्सन हैं तो हमारे लिए आज ये टेबल जो है इन्होंने बुक कर दिया। और वेलकम ड्रिंक हमें मिलेगा जी, मिंट मार्गरीटा। ठीक है यार, आज हमें जो है ना वो सिटिंग मिली है इंडोर। तो इंडोर जो एम्बियंस है ना वो कुछ इस तरह का। यार ये इनका जो है ना टॉप फ्लोर सिटिंग एरिया ये वाला। गाइस रूफटॉप रेस्टोरेंट पर आकर बाहर का आपको कुछ इस तरह का व्यू नज़र आएगा। ये देखें ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग है। कुछ सीटिंग एरिया नीचे की तरफ है इस फ्लोर पर। ये चीज पिज़्ज़ा, वाह यार क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी, स्टार्टर में सबसे पहले हमें चीज़ पिज़्ज़ा मिलता है। उसके बाद ये आ जाता है डाका चिकन क्यूब्स। ये वाले चिकन के क्यूब आ गए, साथ में मिनी स्लाइडर आ गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर आ गए हैं जी बारबेक्यू चिकन विंग्स। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास आलू वाले समोसे। और नेक्स्ट यहाँ पर है जी ग्रिल चिकन विद जेल सॉस। और इस दफ़ा यार ये एक नई डिश जो है ना ये ऐड हुई है हाईटी में। साथ में आ चुके हैं क्रिस्पी मसाला फ्राइज। और साथ में आपको यहाँ पर मिंट रायता मिलेगा, साथ में पकौड़े आ गए। आगे आ गया जी अल्फ्रेडो मशरूम पास्ता। और साथ में आ चुका है चिकन बोटी चिकन टिक्का। यहाँ पर आ गए हैं जी चिकन चाउमीन। यार चिकन चाउमीन जो है ना वो देखने में बहुत ही लाजवाब है, साथ में बटर फ्राइड फिश आ गई। बटर फ्राइड फिश चिकन गोला कबाब आ गए। नेक्स्ट एग फ्राइड राइस। उसके बाद आ गया चिकन मंचूरियन। और साथ में आ गई है जी चिकन चिल्ली ऑनियन। ये चाइनीज डिश है और साथ में ये भी चाइनीज़ है, इसका नाम है जी सुशी बीफ। और साथ में यहाँ पर आ गए भाई असोटेड नान। और यहाँ पर मौजूद है जी चिकन कढ़ाई, पेशावरी कढ़ाई है ये वाली चिकन कढ़ाई। और साथ में आ गया है काबली पुलाव, लेकिन ये बीफ का है, ये मटन पुलाव नहीं है। इनका सेक्शन है डेजर्ट का, उसमें ये फाउंटेन है चॉकलेट का। और साथ में कुछ पेस्ट्रीज आ गए, मफिन आ गए, क्रोसेंट हैं और कुछ पेस्ट्रीज यहाँ पर पड़ी हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मेरी फेवरेट चीज़ आ गई, गुलाब जामुन शीरे वाले। साथ में भाई यहाँ पर ब्राउनी आ गई। और ये देखें ये चॉकलेट सॉस आ गया ये वाला, साथ में ब्राउनी अगेन से। और यहाँ पर छोटे साइज़ की रसमलाई है, साथ में रसगुल्ले हैं, साथ में कस्टर्ड आ गया फ्रूट आइस। और यहाँ पर आ जाती है जेली। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाता है स्ट्रॉबेरी मॉस जो कि इस किस्म का। और साथ में चॉकलेट मॉस आ गया। इसके बाद आ जाता है जी फ्रूट ट्राइफल। वाह यार कमाल है, ये देखो इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो तो बहुत ही अच्छी है, ये देखो। तो ये रहा मुनाल का सैलड सेक्शन जिसमें आपको कचूमर सलाद मिलेगी, मकरोनी सैलड है, कचूमर सैलड है, उसके बाद पास्ता सैलड है। लो भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं मुनाल का हाईटी बफेट। इसमें क्या कुछ है यार, सबसे पहले मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर चीज़ पिज़्ज़ा स्लाइस है ये वाला। ठीक है पिज़्ज़ा यहाँ पर आपको 2 से 3 डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा। और साथ में आ गया है मिनी स्लाइडर। ठीक है उसके बाद है जी चिकन टिक्का बोटी, साथ में आ गया है जी बटर फिश।
और उसके साथ यहाँ पर है जी फ्राइज, ये आ गया आलू वाला समोसा, और ये है जी चिकन विंग्स, और साथ में आ गए हैं भाई चिकन क्यूब्स, ठीक है, इसमें पकोड़े भी ऐड हैं। तो ये पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर मेन कोर्स जो है आज बाद में स्टार्ट करते हैं। वेलकम ड्रिंक ये मैं दिखा दूँ जो कि फुल ऑफ आइस है, तो अभी इसको बाद में पी लेते हैं। भाई आज मेन कोर्स से स्टार्ट नहीं करते, आज थोड़ा सा हमने पैटर्न जो है अपना वो चेंज किया, तो पहले जो है इनका बारबेक्यू सेक्शन वो ट्राई कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इनका आ गया है चीज़ी पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा ट्राई कर लेते हैं। टेस्ट इज़ गुड, तो मैं इसको देने वाला हूँ जनाब 8 out of 10, क्योंकि काफ़ी फ्रेश है और स्पेशली जो इसकी ब्रेड है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है। उसके बाद यार इनका बारबेक्यू वो ट्राई कर लेते हैं, जिसमें आ गया है चिकन टिक्का। अमेजिंग यार, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। उसके बाद बटर फिश वो ट्राई कर लेते हैं, जो कि यार काफ़ी फ्रेश है, ये देखो धुएं उठते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। सर्दी स्टार्ट हो गई है, तो आपको पता है सर्दी में जो है वो हाइटी का मज़ा जो है ना वो डबल हो जाता है, तो यार इनकी बटर फिश वो भी अच्छी है, इसको मैं रेट करूँगा 9 out of 10। उसके बाद यार इनके बोनलेस जो क्यूब है ना चिकन क्यूब, ये वाले ये ट्राई कर लेते हैं। एक्सलेंट यार, चिकन क्यूब को मैं देने वाला हूँ भाई 9 out of 10, उनका जायका जो है वो काफ़ी डिफरेंट है इसका। उसके बाद एक ये यार खूबसूरत सा समोसा, आलू वाला समोसा ये। बहुत ही क्रिस्पी है यार ये। फ्राइज काफ़ी बड़े साइज के हैं। फ्राइज को यार मैं रेट करूँगा 8 out of 10, और जो इनका समोसा था उसको मैं रेट करूँगा 7 out of 10। गैस वेलकम ड्रिंक जो है मिन मॉडरेट है, लेकिन मैंने ये टेस्ट की है, मुझे ये यार बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद यार मैं इनका ट्राई कर लेता हूँ काबली पुलाव। काबली पुलाव में यार ड्राई फ्रूट बहुत ही कम है, ना इसमें कैशू नट है, ना बादाम है, ना काजू है, सिर्फ और सिर्फ आपको किशमिश जो है वो नज़र आएगी जो मेवा जात है, तो मैं इसको रेट करूँगा 7 out of 10। उसके बाद भाई ट्राई कर लेते हैं इनका चिकन मंचूरियन विद एग फ्राइड राइस। यार चिकन मंचूरियन का जो कलर है ना उसमें कुछ ज़्यादा ही टमाटो पेस्ट ऐड हुआ है, तो काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है, तो इसको मैं रेट करने वाला हूँ 8 out of 10। उसके बाद भाई मुनाल का जो है सिग्नेचर सूप ये ट्राई कर लेते हैं, काफ़ी गर्मा गर्म है और देखने में भी काफ़ी शानदार है ये देखो।
सर्दियों में यार ये आप सूप जरूर ट्राई किया करें। बहुत गर्म है यार। सूप की यार क्वालिटी तो ठीक है लेकिन टेस्ट जो है ना वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल ही है, जैसे आम रूटीन में होता है। यार आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता था कि आज के हाइटी बफेट में मटन की कोई भी डिश शामिल नहीं है और मेन कोर्स में भी यार बहुत ही कम वैरायटी है, यानी उसमें सिर्फ चिकन कढ़ाई है या उसमें एक बीफ पुलाव है और साथ में एग फ्राइड राइस है, यानी कि बहुत गिनी चुनी आइटम है। अलबत्ता बारबेक्यू सेक्शन थोड़ा सा बेहतर है, उसमें जो है वैरायटी काफ़ी अच्छी है, पिज़्ज़े जो हैं उसमें वैरायटी काफ़ी अच्छी है, टेस्ट और क्वालिटी यार इनकी हमेशा से अच्छी होती है। तो आज की हाइटी बफेट की जो प्राइस है ना अगर आप डेबिट कार्ड पर पेमेंट करेंगे तो आपकी बनेगी 2300 रुपीज़, कैश भी आई थिंक 2500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे, तो यार जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कॉस्टली है, यानी कि इसकी प्राइस होनी चाहिए थी अराउंड 2000 समथिंग। तो बाकी यार वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। इसके बाद मैं ट्राई करने वाला हूँ इनका डिज़र्ट और सैलड। अब यार ट्राई कर लेते हैं इनकी बटर फिश पिज़्ज़ा और चिकन चाउमीन। ये है जी वेजिटेबल चाउमीन और साथ में आ गया जी टार्टर सॉस। ये देखो इस तरह से, ये चेक करो यार। पहले मैंने जो ट्राई किया था ना वो था चीज़ पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़े की वैरायटी यार इनके पास काफ़ी अच्छी है। अब मैं ट्राई करने लगा हूँ इनका चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, ये वाला। यार मुझे इनका चीज़ पिज़्ज़ा कुछ बेहतर लगा था क्योंकि उसकी ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट थी। इसकी ब्रेड इतनी सॉफ्ट नहीं है लेकिन इसका टेस्ट भी अच्छा है, तो मैं इसको दूंगा 8 out of 10। उसके बाद यार चिकन चाउमीन ट्राई कर लेते हैं। चिकन बहुत कम डला हुआ है लेकिन चिकन मौजूद है इसमें। चिकन चाउमीन यार ठीक है, टेस्ट इज गुड। इसको मैं दूंगा 8 out of 10। ये किसी भी हाइटी बफेट में आप चले जाएं तकरीबन इनका जायका जो है वो सेम ही होता है। यार अच्छी चीज़ तो ये है सर्दियों में आप हाइटी में ये ज़रूर ट्राई किया करें। ये वैसे इन्होंने इसका नाम है बटर फिश रखा हुआ है लेकिन फ्राइड फिश भी आप कह सकते हो, तो फ्राइड फिश जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है हाइटी बफेट में। मोस्टली जो लोग हैं वो यही ज़्यादा खाते हैं, मैंने देखा हाइटी में सबसे पहले जो लोग हैं ना वो इसी को पढ़ते हैं, फिश को। टार्टर सॉस के साथ ये ट्राई कर लेते हैं। यार मुझे आज के हाइटी बफेट में सबसे अच्छा जो लगा ना वो इनका पिज़्ज़ा है, सेकंड नंबर पे इनकी बटर फिश मुझे अच्छी लगी है जो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है और इसका टेस्ट भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, तो मैं इसको रेट करूँगा 10 out of 10। आज के बफेट में यार मेरी स्पेशल फेवरेट चीज़ वो भी मौजूद है, ये देखो आलू बहाड़ा की चटनी जो कि बहुत ही कम हाइटीज पर होती है और यार मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। अब इसको मैं ट्राई कर लेता हूँ, मज़ेदार। गाइस वैसे आप जब भी रिजर्वेशन करवाएं मोनाल की तो कोशिश ये किया करें कि आपको जो सीट है ना, जो आपको टेबल है ना, वो आपको मिले रूफ टॉप पर क्योंकि उसका व्यू ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पर जो है ना लाइट थोड़ी सी ज़्यादा है।
गाइस अब बात कर लेते हैं डेजर्ट की। तो डेजर्ट में यार मज़े मज़े की चीज़ें हैं मेरे सामने हैं। तो डेजर्ट इनका काफ़ी यार अच्छा है। ये देखो ये क्रोसेंट आ गया ये वाला, ठीक है, ये मफिन आप कह सकते हो। और कुछ पेस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर डिफरेंट टाइप की, शीरे वाले गुलाब जामुन वो आपको मिलेंगे, चॉकलेट मॉस है, ठीक है, उसके बाद कस्टर्ड है, उसके बाद फ्रूट राइफल अलग से है, और ये स्ट्रॉबेरी मॉस है। तो जल्दी से बस ये ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले जो है स्ट्रॉबेरी मॉस ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद चॉकलेट मॉस, उसके बाद एक ये पेस्ट्री। यार इनकी चॉकलेट पेस्ट्री काफी मजे की है ये वाली। उसके बाद फ्रूट राइफल ये ट्राई कर लेते हैं यार। यार इनका जो फ्रूट राइफल है ना कस्टर्ड, उसका जायका जो है बस नॉर्मल है, आप समझ तो गए होंगे। बाकी यार इससे बेहतर ये बन सकता था। लेकिन एवरी ज़्यादा है इसका। बाकी इनका जो मॉस है ना स्ट्रॉबेरी चॉकलेट वो बहुत अच्छा है इनका। शीरे वाले गुलाब जामुन, चॉकलेट मफिन, ये अच्छा यार। तो भाई मैं इनके डेजर्ट को देने वाला हूँ 8 out of 10। बाकी यार एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है मोनाल रेस्टोरेंट का, आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा। हाँ आने से पहले आपने रिजर्वेशन ज़रूर करवानी है कॉल पर। गाइस एक नज़र बिल पर डाल लेते हैं। तो यार हम 2% थे, हमारा बिल बना जी 4270, जिसमें हमें 5% GST लगा और टोटल अमाउंट बनी हमारी 4620, क्योंकि हमने डेबिट कार्ड से पेमेंट की है। तो हमारा जो है वो एवरेज बिल जो बना ना ईच पर्सन वो 2300 पड़ा। अगर आप कैश पे पेमेंट करेंगे तो आपका बिल जो है वो 2500 समथिंग बनेगा। तो आप डेबिट कार्ड ही यूज़ किया करें बफेट के लिए, उस पर आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है। गाइस ये वाली गाड़ी जो आप देख रहे हो ये असल में मेरी नहीं है। तो जब आप लोग ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, तो एक वक्त आएगा कि इंशाल्लाह ताला आपका भाई ये गाड़ी ज़रूर लेगा। तो बाकी यार आज के बफेट की अगर मैं बात करूँ, अगर आज के बफेट को मैं कंक्लूड करूँ, तो यार नतीजा उसका ये निकला है कि बफेट तो बहुत अच्छा है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारे जो पैसे हैं ना वो शशकों के है, कि रूफ टॉप रेस्टोरेंट है, एम्बियंस अच्छा है, सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है, फूड इनका बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन यार आज मुझे थोड़ी सी कमी महसूस हुई है मेन कोर्स में। मेन कोर्स यार आज थोड़ा सा कम था, डिशेस बहुत कम थी, लिमिटेड डिशेस थी। बाकी इनका पिज़्ज़ा सेक्शन बहुत अच्छा था, पिज़्ज़े की इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। उसके अलावा इनका डेजर्ट सेक्शन वो भी अच्छा है, लेकिन यार मटन की कोई भी डिश मौजूद नहीं थी। और मेरा बिल बना जनाब 2300 रुपीज़, जो कि आई थिंक बहुत ज़्यादा है यार। मेरे हिसाब से इसका बिल बनना चाहिए था बफे का तकरीबन जो है ना 2000 के पास आस पास, यानी कि 2000 से कम होना चाहिए था, लेकिन 2300 कार्ड पे बना। एनवायरनमेंट उसको मैं दूंगा 10 out of 10। तो एनवायरनमेंट के ही सारे पैसे हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।